Hello students, today we are going to learn the poem My Telescope. Okay, it's 4.6 My Telescope, Standard 2, English Bal Bharati. Okay, telescope, what do you mean by telescope? Telescope is an instrument in the shape of a tube, okay, with special pieces of glasses. That means lenses are there inside it. You look through it to make things that are far away appear bigger, and this is a telescope. Okay, इसे आप हिंदी में दूरबीन भी कह सकते हो. यानी बहुत दूर की वस्तुओं को लेंसों की सहायता से अधिक बड़ा और जो पास में दिखता है ना, निकट दिखाने वाला नली के आकार का यंत्र होता है. ओके, उसे टेलीस्कोप कहा जाता है. ओके, आई सपोज इसका मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इजी वे में ये है कि हमें दूर की चीज़ें पास में दिखाई देती, नज़र आती हैं. गॉट इट? लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ. आई बॉट माई सेल्फ अ टेलीस्कोप. ये एक्चुअली में पोएम किसने लिखी है? ये पोएम टोनी ब्रैडमैन. तो ये जो पोएम है, पोएट ने बोला है कि उसने क्या किया. ओके, पोएट ने बोला है, पोएट ये बता रहा है कि आई बॉट माई सेल्फ अ टेलीस्कोप. पोएट कौन है? टोनी ब्रैडमैन. और उन्होंने ये बोला है कि मैंने बॉट मीन्स खरीदा है. ओके, टू गेट समथिंग बाय पेइंग मनी फॉर इट. ओके, उसको खरीदना बोलते हैं. आई बॉट माई सेल्फ अ टेलीस्कोप, खुद के लिए क्या लिया है? टेलीस्कोप. टेलीस्कोप का मीनिंग आपको अभी समझ में आ गया होगा अच्छे से. टू लुक इन टू द स्काई, लुक मतलब देखना, इन टू द स्काई, स्काई में, स्काई मीन्स आसमान. तो कहाँ देख रहा है? मैंने टेलीस्कोप खरीदा है क्या करने के लिए? आसमान में देखने के लिए. ओके, जैसे ये पिक्चर में ये बॉय है, इस है ना, ये क्या कर रहा है? आसमान में देख रहा है ना, टेलीस्कोप के थ्रू. क्योंकि इसको क्या नज़र आ रहा है? इससे जो चीज़ें हैं, जो आसमान में जो चीज़ें हैं, वो सब उसको पास नज़र आ रही हैं. ओके, टू सी द सोलर सिस्टम. सी मीन्स देखना, है ना, सी. ओके, टू सी द सोलर सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स इन ऑर्बिट राउंड द सन टुगेदर विद स्मॉलर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स. है ना, क्या होता है, द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम में क्या क्या आ जाता है अपने को? 8 प्लैनेट्स होते हैं, ये तो हमें भी मालूम है. तो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? जैसे मर्क्यूरी हो गया, वीनस है, अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ओके, ये सबको मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? सोलर सिस्टम बन जाता है. ओके, एंड द कॉमेट्स विजिंग बाय. देखो, उसने ये क्लियर बता दिया कि उसने टेलीस्कोप खरीदा है आसमान में देखने के लिए. क्या देखना है उसे? सोलर सिस्टम देखना है. और क्या देखना है? एंड द कॉमेट्स विजिंग बाय. कॉमेट्स क्या है? कॉमेट्स क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट लुक्स अ ब्राइट स्टार विद अ टेल एंड दैट मूव्स अराउंड द सन. सन के आजू बाजू वो घूमता है, उसके कॉमेट्स बोलते हैं. और विजिंग मतलब टू मूव वेरी क्विकली, मतलब सनसनाते हुए तेज़ी से निकल जाना, फटाफट जल्दी जल्दी घूम जाना. ओके, उसको ये देखना है. किससे देखना है? टेलीस्कोप से देखना है. आई सर्च द स्काई फॉर प्लैनेट्स. अब उसने क्या बोला है? आई सर्च द स्काई फॉर प्लैनेट्स. सर्च मीन्स, सर्च मतलब टू लुक फॉर समथिंग दैट इज मिसिंग, है ना. ओके, सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है वो. ओके, और कहाँ ढूंढ रहा है?
आई सर्च द स्काई, स्काई में ढूंढ रहा है फॉर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष में एक पिंड होता है जो सूर्य या दूसरे तारों की परिक्रमा मतलब घूमता है, यानी इसको आप कैसे बोल सकते हो, अ वेरी लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट मूव्स अराउंड द सन और अनदर स्टार्स। ओके, दैट इज कॉल्ड प्लैनेट्स। अब ये उसने बताया प्लैनेट्स को भी वो ढूंढ रहा है फॉर सैटेलाइट्स एंड स्टार्स। अब और क्या ढूंढ रहा है? सैटेलाइट्स और स्टार्स भी ढूंढ रहा है। अब सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट वो होता है जो इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज सेंट टू स्पेस, जो स्पेस में भेजा जाता है। ओके, उसमें जैसे अपन भेजते हैं कोई भी स्पेस पे, कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भेजते हैं और वो क्या करता है, एंड मूव्स अराउंड द अर्थ और अनदर प्लैनेट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। उनका कोई रीज़न होता है, वो अर्थ के आजू बाजू घूमने का उनका कोई रीज़न होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, उसको सैटेलाइट्स बोला जाता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्स? स्टार्स क्या होता है? अ लार्ज बॉल ऑफ बर्निंग गैस इन आउटर स्पेस दैट यू सी एज अ स्मॉल पॉइंट ऑफ लाइट इन द स्काई एट नाइट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तारा या सितारा भी बोलते हैं। ओके, गॉट इट। तो वो ये सारी चीज़ें ढूंढ रहा था, वो सैटेलाइट्स ढूंढ रहा था, स्टार्स ढूंढ रहा था, प्लैनेट्स ढूंढ रहा था, कॉमेट्स ढूंढ रहा था, सोलर सिस्टम ढूंढ रहा था। ओके, कहाँ ढूंढ रहा था? आसमान में। एंड नाउ आई हैव गॉट अ टेलीस्कोप, दे डोंट सीम वेरी फार। अब क्या हुआ? अब उसके पास तो क्या आ गया, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसके पास क्या आ गया? टेलीस्कोप आ गया, है ना, जिससे चीज़ें, दूर की चीज़ें हमें पास में दिखाई देती हैं, है ना। तो अब उसे वो सब चीज़ें जो है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, स्टार्स है, वो सब पास में दिखाई दे रही थी, तो इसलिए वो सब उसके लिए अब वेरी फार नहीं था, यानी फार मीन्स बहुत दूर नहीं था उसके लिए। ओके, उसको सीम मतलब उसके लिए वो अपियर हो रहा था पास में। ओके, इट्स ब्रॉट देम वेरी क्लोज टू मी, इट्स मेड द स्टार्स माय फ्रेंड्स, इट्स ब्रॉट देम वेरी क्लोज टू मी मीन्स अब ब्रॉट देम वेरी क्लोज टू मी, यानी ब्रॉट मीन्स ले आया, है ना, और उसके क्लोज मीन्स बहुत नज़दीक में लेके आ गया। वो जो अब वो टेलीस्कोप से जब देख रहा था तो वो उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो स्टार्स वगैरह हैं वो उसके बहुत ही पास में है, नज़दीक में है। इट्स मेड द स्टार्स माई फ्रेंड्स, और वो क्या हो गया, अब उसे ऐसा लग रहा है वो स्टार्स जो है, जो तारा सितारा जो है वो उसके दोस्त है। ओके, एक्सेप्ट ऑफकोर्स व्हेन आई मेक अ मिस्टेक एंड लुक थ्रू द रॉन्ग एंड। एक्सेप्ट मतलब क्या हो गया, इसके सिवा रॉन्ग एंड, यानी मैंने गलत तरीके से, गलत एंड से नहीं देखा हो, है ना, जैसे मैंने रॉन्ग तरीके से ना देखा हो, है ना, अगर रॉन्ग तरीके से देखूंगा तो क्या हो जाएगा, वो मुझे दूर ही नज़र आएगा, है ना, कुछ रॉन्ग हो जाता है टेलीस्कोप या कोई भी चीज़ को हम कोई सही तरीका से नहीं करते हैं तो गलत तरीके से हो जाता है तो वो चीज़ रॉन्ग हो जाती है, राइट तो अगर उसने टेलीस्कोप को अच्छे से नहीं पकड़ा है या नहीं प्रॉपरली होल्ड किया है तो वो चीज़ें उसको जो पास में दिखनी चाहिए वो उसको दूर दिखाई देंगी, है ना। तो इस लाइन का मतलब यही है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स व्हेन आई मेक अ मिस्टेक एंड लुक थ्रू द रॉन्ग एंड, अगर मैं गलत वे में देखूँगा तो मुझे वो दूर नज़र आएंगे, है ना, तो ये मिस्टेक मैं ना करूँ तो अच्छा है। ओके, ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा ना बच्चों। Let's repeat the poem. I hope everything is clear. No doubts will be there. अगर कोई doubts है तो आप ज़रूर comments में पूछ सकते हैं। मैं repeat करती हूँ poem. My Telescope by Tony Bradman. Okay? I bought myself a telescope to look into the sky to see the solar system and the comets whizzing by. I search the sky for planets, for satellites and stars, and
Now I've got a telescope. They don't seem very far. It's brought them very close to me. It's made the stars my friends, except, of course, when I make a mistake and look through the wrong end. Okay, got it? It's a very interesting poem. आप प्लैनेट्स वगैरह देख सकते हैं इसमें कैसे दिखाया गया है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आपको बहुत मज़ा भी आया होगा और होप सो बहुत बच्चों के पास तो दूरबीन होगी भी, जो दूर भी दिखता है पास भी दिखता है. आपको बहुत मज़ा आता होगा. अक्सर आप लोग ये बच्चे लोग ज़िद करके ये फेयर वगैरह में जाते हैं तो वो सेल आउट होता है, तो आप लोग के पास मेरे ख्याल से होगा भी. तो आप इसको कैसे इमेजिन भी कर सकते हो, आप खुद देख सकते हो कि कितने अच्छे से दूर की चीज़ें पास दिखाई देती हैं. तो वो पोएट ने इस चीज़ को इस पोएम में बताया है कि किस तरह से वो आसमान में ये सारी चीज़ों को देखता है नियर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.